मैं एसपी सिंह, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहे 6th क्लास में पढ़ रहे हो या 12th में या किसी हायर कक्षा में या किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड मास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स के सामने जो आती है वो चिन्हों की, ब्रैकेट की, प्लस माइनस की आती है। अगर आप बोर्ड मास को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आज के बाद आपको ये कोई समस्या आने वाली नहीं है। वैसे तो बोर्ड मास हमने 6th क्लास में पढ़ा है, लेकिन उस समय हम इतना इस पर ध्यान नहीं होते, इतना फोकस नहीं होते, जिस वजह से हमें आगामी कक्षाओं में तथा प्रतियोगिता में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपको बोर्ड मास को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी, तो आगे आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बोर्ड मास जो है वो आपकी एक तरह से नींव है। तो चलिए आप समझते हैं बोर्ड मास को विस्तार से। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, इसका हिंदी में अर्थ है कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। यानी कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाने का मतलब है कि कोष्टक के अंदर की भाग गुणा जोड़ घटाना हो तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बी का मीनिंग लिखा ब्रैकेट, इसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, और ओ का मीनिंग है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। डी का मतलब डिविजन, हिंदी में बोलते हैं भाग, भाग का मतलब ये चिन्ह है। एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोलते हैं गुणा, और ए का मतलब है एडिशन, और इसका मतलब जोड़, प्लस करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इसका पूरे का ओवरऑल मीनिंग है कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो कहने का मतलब यह है अगर कोष्टक का आपको भाग गुणा जोड़ घटाना हो तो उसे किस तरह करते हैं, आज हम इसके अंदर समझाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है ब्रैकेट को सोल्व करना, क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट। और ब्रैकेट देखिए, चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट है रेखा कोष्टक, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विनकुलम। और जो दूसरा कोष्टक वो है छोटा कोष्टक, उसको हम ये इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। देखिए सर्किल टाइप का होता है, सर्किल को काट के बनता है, इसलिए इसको सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तीसरा ब्रैकेट है मझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक, यानी बीच वाला कोष्टक, इसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कर्ली हेयर जैसा कुछ होता है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला है बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला, इसको हम सबसे लास्ट में खोलते हैं। यानी बोर्ड मास का मतलब है इसमें जो वर्ड पहले होगा उसे हमें पहले सोल्व करना। तो यहाँ पे सबसे पहले है ब्रैकेट, यानी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर सर्कुलर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, क्रम से सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का, अब ब्रैकेट का क्या करना, सबसे पहले उसके बाद करना ब्रैकेट के अंदर। देखिए इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना, पहले डिवीजन करनी है यानी भाग करनी है, फिर मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना। और जब ये काम हो जाएगा फिर आपको करना है ऑफ। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना, भाग गुणा जोड़ घटाना, अच्छे समझ लें, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना, कोष्टक का भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना और घटाना, उसके बाद फिर हम इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, बिल्कुल इस रूल्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ से सबसे छोटा ब्रैकेट है रेखा कोष्टक, तो पहले रेखा कोष्टक को हम हल कर लेते हैं, बाकी किसी को नहीं छुएंगे। रेखा कोष्टक 6 में से 2 गए 4, लीजिए रेखा कोष्टक को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट है छोटा कोष्टक, तो हम देखिए छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बाकी किसी और को आपको छूने की जरूरत नहीं है, तो 7 में 4 गए 3, लीजिए छोटे कोष्टक के बाद किसे सॉल्व करना है, सर्कुलर कर्ली ब्रैकेट को, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 12 9 में से 3 गए 6, लीजिए कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। कर्ली ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, बड़ा ब्रैकेट, 12 में से 6 गए 6, लीजिए बड़े ब्रैकेट को अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना बचा 6। अब उसके बाद क्या करना, देखिए डिवीजन, डिवीजन इसमें है नहीं, फिर क्या करनी, मल्टीप्लाई वो भी नहीं है, ऐड वो भी नहीं है, लास्ट में क्या करना, सब्ट्रैक्ट, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 14 में से 6 गए, और ये यहाँ लिख देते हैं 14 में से 6 गए बचे 8, ये आपका आंसर आ गया। तो
मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन इस पे करते हैं तो आपको फिर ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बोर्ड मास को अच्छे समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस एग्जांपल को अच्छे देख लीजिए तो बोर्ड मास रूल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ, तो इसको हमें कैसे सोल्व करना बोर्ड मास के रूल से इसको समझेंगे। तो बोर्ड मास का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर क्या करना आपको, भाग गुणा जोड़ घटा। ब्रैकेट के अंदर क्या करना, भाग गुणा जोड़ घटा। और कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना, देखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। तो इस बात को ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर, भाग गुणा जोड़ घटा, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, देखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, तो सबसे छोटा ब्रैकेट है ये वाला। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी ऐसे उतारते चले जाएंगे। तो छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा। छोटे ब्रैकेट हम जो है जहां भी है छोटे ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये माइनस की संख्या हम ब्रैकेट में रखते हैं, ये वाली अभी ऐसी रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको सोल्व करा, 5 में से 3 गए, माइनस का 2 बचेंगे, तो माइनस का 2 यहां पर, माइनस यहां पर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। लीजिए छोटा ब्रैकेट हट चुका है। अब उसके बाद छोटे ब्रैकेट के बाद किसका नंबर आएगा, कर्ली ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे, -12 -6 भाग 2, और देखिए कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे हम, -5 गुणा -4। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट हटाया, ये आ गया 4। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद क्या करना हमें, कर्ली ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट हटाना, तो बड़ा ब्रैकेट से पहले इसको अंदर सॉल्व कर लेना। तो ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट और फिर इसमें क्या करना, देखिए फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई करनी है और फिर ऐड करना, 12 -6 भाग 2। आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट के अंदर चल रहा सब ये, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या हो रहा, 20 में से 4 गए, बचा 16। अब उसके बाद अब हम क्या करना है, इसके बाद देखिए ब्रैकेट सब हट गया, तो ब्रैकेट के बाद फिर डिवीजन, ब्रैकेट हमारा हट चुका है, ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवीजन, डिवीजन कहाँ गया ना, इसको भाग करेंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे, आएगा 3। इसके बाद क्या करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, फिर ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं, समान चीज जो है सब जुड़ जाते हैं, तो ये 12 और 16 हो गए, 28 और 3 31, आंसर आ गया इसका 31, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसको समझते हैं, इस रूल को समझते हैं। तो सबने क्या करना, बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट का भाग, ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा। बोर्ड मास का क्या मतलब, ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा। तो ब्रैकेट यहाँ पर देखिए सबसे ब्रैकेट देखिए, अब उसके अंदर सबसे पहले हमने कौन सा ब्रैकेट खोला, सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला। तो यहाँ पर देखिए 4 ऐसे रहेंगे, बाकी पूरा ऐसे उतारना। बोर्ड मास यानी ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके, फिर जब ये काम पूरा हो जाए तब हमें भाग गुणा प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा, उसके बाद फिर हम इसे ऑफ करते हैं, का मतलब ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखिए 25 ऐसे रहा, माइनस का पूरा एजिटी उतारना, कुछ नहीं करना, जाके सीधा रेखा ब्रैकेट को खोलना। सबसे पहले देखिए रेखा 4 में से 3 गए, 1 रेखा ब्रैकेट मैंने खोल दिया। रेखा ब्रैकेट के बाद क्या खोलेंगे, सबसे पहले आपको बस यही ध्यान रखना ब्रैकेट को सोल्व करना, रेखा ब्रैकेट के बाद दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला छोटा ब्रैकेट, बाकी पूरा एजिटी आपको उतार देना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सेवन माइनस टू का 3, अब देखिए सवाल करा, तो 13 में से 1 गए 12 प्लस 5, ठीक। अब हमें क्या करना, देखिए ये हमारा हो चुका है, ब्रैकेट हो गए, अब इसे ब्रैकेट इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोर्ड मास में का मतलब का, ब्रैकेट के बाद खोलेंगे ऑफ, 30 माइनस 8 भाग, क्योंकि अब हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना पूरा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए ऑफ आया हुआ का,
तो ब्रैकेट के बाद ऑफ खुलेगा, तो अंदर के ब्रैकेट खोल दिया हमने, अब इसका ऑफ खोलेंगे। सेज माइनस टू ऑफ क्या मतलब है, मल्टीप्लाई कर देनी है, 12 प्लस 5। आप देखिए 4 का 25 माइनस 18 भाग, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 माइनस के 12 प्लस के 5। अब देखिए क्या करना, फिर ऐड के प्लस करना, तो 7 और 5 12, फिर उसमें से माइनस कर देना, तो 12 से कट जाएगा, देखिए तो पहले प्लस करेंगे 7 और 5 12 और 12 6 18 प्लस हो गया। इसके बाद क्या करना, प्लस के बाद उससे पहले क्या करना, डिवीजन करना, देखिए प्लस के बाद क्या करना, ये प्लस हो गया फिर माइनस भी करना, अभी पहले ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है ये यहां से यहां तक का ब्रैकेट है, देखिए ये हो गया 7 5 12 और 12 6 18, क्योंकि ब्रैकेट को पूरा सोल्व करेंगे पहले, ब्रैकेट को जब पूरा सोल्व हो जाएगा तब हम ये डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये कितना बचा, माइनस का 6 बचा। आप देखिए आप आया था आपके, अभी जब ब्रैकेट पूरा सोल्व हो गया, अब बड़े ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या, ब्रैकेट के बाद सबसे पहले है डिवीजन, तो डिवीजन कर लेते हैं, तो 6 को 18 को 6 से भाग देंगे, 6 3 18 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आप देखिए प्लस हो रहा था प्लस कर लेंगे, 25 से 3 हो जाएंगे 28, ये हो जाएगा 4 का 28। अब का की जगह क्या लगाना, गुणा, का मतलब होता है गुणा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑफ और हिंदी में का, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुणा, इसको गुणा कर लेंगे, 4 8 32, 4 2 8 3 11, तो आंसर आ गया 112। तो मैं समझता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और साथ में लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो बोर्ड मास का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना, प्लस भाग गुणा प्लस माइनस, यानी कि ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ घटा। तो पहले ब्रैकेट का क्या करना हमें, भाग गुणा जोड़ घटा, सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, देखिए सबसे छोटा, तो बाकी सब ऐसे उतार देंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है रेखा ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करेंगे पहले हम, बाकी कुछ नहीं छुएंगे, इसको सोल्व करा देखिए हमने, 8 में से 1 गया 7, फिर छोटे ब्रैकेट के बाद फिर छोटा ब्रैकेट ये वाला, तो ये तो है नहीं, पहले इसको पूरा ही सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ गया देखिए 8 में से 1 गया 7, लो जी हो गया। भाग का चिन्ह ऐसे रहा 11 गुणा 11, अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 7 में से 3 गए 4, तो माइनस पहले से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अभी हमें इस ब्रैकेट के अंदर इसको करना, अब इस ब्रैकेट के अंदर इसके बाद क्या करना, देखिए पहले डिवीजन करना, तो डिवीजन कहीं पे है, ये है, तो डिवीजन कर देते हैं, डिवीजन कितनी इससे, देखिए 121 डिवीजन, जब डिवीजन का मतलब है ये दोनों चीज़ें इसके बटे में जाएंगी, या यूँ कहें कि पलट दें इसको, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई चिन्ह करके इसको पलट दें ऐसे, तो डिवीजन हो जाती है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब देखिए 11 11 होते हैं 121 और 11 से 11 कट गया ही, तो क्या बचा है अब यहाँ पे, 1 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 4 4 8 9, तो 112 में से 9 घटा देंगे, आंसर आ गया हमारा 103, ये आंसर हमारा आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए SP मैथ्स चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।